हेलो फ्रेंड्स, डेटा स्ट्रक्चर्स एंड एल्गोरिदम की इस प्रोग्रामिंग सीरीज में मैं मनीष गहलोत आपका हार्दिक स्वागत करता हूं। फ्रेंड्स, जो आज का जो हमारा टास्क है वो ये है कि प्रोग्राम टू ऐड सब्ट्रैक्ट एंड मल्टीप्लाई टू पॉलीनोमियल्स। ओके, सो फ्रेंड्स, पॉलीनोमियल के बारे में आपको शायद नॉलेज होगा, तो मैं आपको इसकी डेफिनेशन भी दे देता हूँ फ्रेंड्स, अगर आपको पॉलीनोमियल के बारे में नहीं पता है तो। बेसिकली फ्रेंड्स, अ पॉलीनोमियल इज अ एक्सप्रेशन दैट कंटेन मोर देन टू टर्म्स। ठीक है, अ टर्म इज मेड अप ऑफ कोफिशियंट एंड द एक्सपोनेंट। ठीक है फ्रेंड्स, पॉलीनोमियल एक एक्सप्रेशन है जो बेसिकली कोफिशियंट और एक्सपोनेंट के टर्म से जो है मिलके बनी होती है। तो यहाँ पे मैंने एक एग्जांपल भी आपको शो करवा रहा हूँ फ्रेंड्स। लेट से ये जो लिखी है ये बेसिकली क्या है, 4 to the power 3 है, 6 to the power 2 है और 7 to the power 9 है। ठीक है, तो फ्रेंड्स जो फर्स्ट जो टर्म है कोफिशियंट है, सेकेंड जो टर्म है वो एक्सपोनेंट है। ठीक है, तो फ्रेंड्स इसी को ही क्या करना है हमें, यानी जो एक्सप्रेशन जो दे रखी है उसी का ही क्या करना है हमें, जो है एडिशन, सब्ट्रैक्शन और मल्टीप्लिकेशन करना है। ठीक है, सो 4x to the power 3, 6x to the power 2 और 7x to the power 9 कुछ इस तरह की एक पॉलीनोमियल एक्सप्रेशन दे रखी है। हम चाहें तो यहाँ पे कोई भी पॉलीनोमियल एक्सप्रेशन यूजर से लेके और जो है एडिशन, सब्ट्रैक्शन और मल्टीप्लिकेशन करवाएंगे। ठीक है, तो आइए फ्रेंड्स इस प्रॉब्लम को हम स्टार्ट करते हैं। कुछ हेडर फाइल्स हैं जो सबसे पहले हम प्रोग्राम में इंक्लूड कर लेते हैं फ्रेंड्स, क्योंकि विदाउट हेडर फाइल प्रोग्राम को रन करना जो है वो पॉसिबल नहीं है। सो हैश इंक्लूड stdio.h एंड हैश इंक्लूड conio.h। ठीक है, और math.h भी हम इंक्लूड कर लेते हैं फ्रेंड्स, हैश इंक्लूड math.h। ओके, तो जो भी रिक्वायरमेंट सी जो हेडर फाइल थी वो हमने सारी यहाँ पे इंक्लूड कर ली है फ्रेंड्स। ओके, अब बेसिकली जो हम ये प्रॉब्लम का सॉल्व करेंगे फ्रेंड्स वो मैं यूजर डिफाइंड फंक्शन बना के करूँगा। ठीक है, तो कुछ फंक्शंस जो मैं यूज करूँगा फ्रेंड्स उसका डिक्लेरेशन मैं यहाँ पे कर देता हूँ। ओके, तो सबसे जो पहला फंक्शन है void, एक init नाम का एक फंक्शन बनाऊंगा फ्रेंड्स जो वेरिएबल को क्या करेगा, जो भी हमारी मैट्रिक्स थी उसको इनिशियलाइज कर देगा। ठीक है, सो यहाँ पे कोई वेरिएबल ले लेते हैं हम p, और इसका हमने डिक्लेरेशन कर दिया है। इसका रिटर्न टाइप मैंने दिया है void और फंक्शन का नाम है int, और फंक्शन से क्या पास हो रहा है, एक एरे पास हो रहा है, किस टाइप का, इंटीजर टाइप का। ठीक है, और सेकंड फंक्शन एक और मैं बनाऊंगा फ्रेंड्स वो है रीड नाम का एक फंक्शन बनाऊंगा जो मैट्रिक्स को क्या करेगा, रीड करेगा। ऑब्वियसली बात है मैट्रिक्स को रीड करेगा तो हमें क्या चाहिएगा, दो हमें मैट्रिक्स चाहिएगी, तो मैं यहाँ पे P2 ले लेता हूँ। ठीक है, और ये P2 साइज देना यहाँ पे जरूरी नहीं है। ठीक है, थर्ड जो मैं फंक्शन बनाऊंगा फ्रेंड्स वो है प्रिंट नाम से। ठीक है, जो भी हम फाइनल रिजल्ट होगा तो वो हम क्या करवा देंगे, प्रिंट करवा देंगे। ठीक है, सो इंटीजर पी एक हम इसमें भी क्या पास करेंगे, एरे पास करेंगे। और बाकी के जो तीन फंक्शन बनाऊंगा फ्रेंड्स वो तीन फंक्शन होंगे एडिशन, सब्ट्रैक्शन और मल्टीप्लिकेशन के लिए। सो यहाँ पे हम void एडिशन नाम का एक और फंक्शन बना देते हैं, लाइक इंटीजर p1। ठीक है, क्योंकि हमें यहाँ पे तीन आर्ग्यूमेंट तीन पास करने पड़ेंगे, तीन मैट्रिक्स पास करनी पड़ेगी। सो इंटीजर p1 मैट्रिक एरे कॉमा इंटीजर p2 एंड इंटीजर p3, ये तीन हमने एरे पास कर दिए एज ए आर्ग्यूमेंट। ठीक है, दो तो एरे होंगे जिसमें हम मैट्रिक्स इनपुट में लेगी, और तीसरा क्या होगा, उस एरे का टोटल सम होगा, जिसमें एरे का दोनों का क्या होगा, सम या एडिशन जो भी होना होगा वहां पे सेव हो जाएगा। इसी तरह से हम क्या करेंगे फ्रेंड्स, सब्ट्रैक्शन के लिए भी एक फंक्शन का डिक्लेरेशन कर देते हैं। ओके, तो मैं इसको कॉपी कर लेता हूँ फ्रेंड्स, और यहाँ पर हम इसको पेस्ट कर देंगे। ठीक है, और इसका मैं नाम चेंज कर देता हूँ, सब नाम से कर देता हूँ, मतलब ये क्या करेगा, सब्ट्रैक्शन का काम करेगा। सो वाइड सब तीन आर्ग्यूमेंट पास किए हैं और तीनों ही क्या है यहाँ पे, एरे हैं। ठीक है, और एक चौथा फंक्शन हम बनाएंगे किसके लिए, मल्टीप्लीकेशन के लिए। सो वाइड मल्टीप्लाई नाम से एक फंक्शन बना देता हूँ मैं, मल्टीप्लाई।
ठीक है। और ऑब्वियसली बात है कि मल्टीप्लिकेशन के लिए भी हमें कुछ मैट्रिसेस की रिक्वायरमेंट पड़ेगी फ्रेंड्स, और वो भी कितनी है, तीन ही होगी। सो P1, P2 एंड P3, तीन मैट्रिसेस यहाँ पे हमें चाहिएगी, वो हमने तीनों यहाँ पे डिक्लेयर कर ली है फ्रेंड्स। और यहाँ पे मैट्रिक्स की साइज के लिए एक हम मैक्रो डिफाइन कर देते हैं फ्रेंड्स, ओके। सो हैश डिफाइन, ठीक है, मैक्स नाम का एक मैं वेरिएबल ले लेता हूँ, तो जहां जहां भी हम मैक्स रखेंगे उसकी वैल्यू क्या हो जाएगी, 20 हो जाएगी, ठीक है। तो फ्रेंड्स जितना भी हमने फंक्शन से रिलेटेड जो डिक्लेरेशन था, यूजर डिफाइंड फंक्शन से रिलेटेड, वो हमने कर दिया है। टोटल यहाँ पे हम 6 यूजर डिफाइंड फंक्शन बनाएंगे, ठीक है। एक होगा इनिट के लिए, जो बेसिकली सारे मैट्रिसेस क्या करेगा, इनिशियलाइज करेगा, रीड कर, जो हम सारे मैट्रिक्स को रीड करेगा, प्रिंट जो फाइनल रिजल्ट होगा वो मैट्रिक्स को प्रिंट करने के लिए काम आएगा, और एडिशन सब्ट्रैक्शन और मल्टीप्लिकेशन के लिए हमने सेपरेट एक फंक्शन और बना दिया है, ठीक है। नाउ विल स्टार्ट द वॉइड मेन, ठीक है, जो हमारा मेन जो फंक्शन है जहाँ से हमारे प्रोग्राम का क्या होता है, एग्जीक्यूशन स्टार्ट होता है, वो मैं फ्रेंड्स यहाँ से कर रहा हूँ, ठीक है। तो हम यहाँ पे फ्रेंड्स तीन मैट्रिक्स को इनिशियलाइज कर देते हैं, डिक्लेयर कर देते हैं, P1 और सेकेंड है आपकी P2 और थर्ड है आपकी P3, ठीक है। और यहाँ पे इसकी जो साइज है वो हमें देनी कंपलसरी है, क्योंकि ये फ्रेंड्स कैसा है, कंपाइल टाइम जो है डिक्लेरेशन है। सो यहाँ पे हम तीनों की साइज क्या कर देंगे, मैक्स से इनिशियलाइज कर देंगे, ठीक है। और एक हम जो है चॉइस वेरिएबल और ले लेते हैं, जो स्विच केस के लिए फ्रेंड्स काम आएगा, क्योंकि ये फ्रेंड्स मेनू ड्रिवन प्रोग्राम है, मेनू ड्रिवन प्रोग्राम के लिए हमें यहाँ पे चॉइस देनी कंपलसरी हो जाती है। तो एक चॉइस वेरिएबल हम और ले लेते हैं और प्रोग्राम की हम डू वाइल से स्टार्ट करते हैं फ्रेंड्स, डू, ओके। तो ये हो गया डू का स्कोप, ये हम डू का स्कोप दे देते हैं फ्रेंड्स, और ये मेन का स्कोप है, ठीक है। इसके बाद में यहाँ वाइल पे जाके ये प्रोग्राम कहीं खत्म होगा, हम कंडीशन बाद में दे देंगे इसमें, ठीक है। सो डू में हम प्रोग्रामिंग स्टार्ट करते हैं फ्रेंड्स। सबसे पहले तो मुझे क्या देना है, यहाँ पे जो है यूजर को कुछ चॉइसेस देनी पड़ी होगी कि कौन सा चॉइस आप प्रिंट करना चाहते हो या कौन सी चॉइस आप लेना चाहते हो। तो फर्स्ट जो चॉइस है वो हमने यहाँ पे दे दी है, लाइक फर्स्ट फॉर दी क्रिएशन ऑफ पॉलिनोमियल, क्रिएशन ऑफ पॉलिनोमियल, ठीक है, क्रिएशन ऑफ पॉलिनोमियल, ठीक है। और जो सेकंड जो चॉइस है वो हमने दे दी है फ्रेंड्स, लेट से अब हम करेंगे फ्रेंड्स किसके लिए, सेकंड जो चॉइस होगी वो होगी एडिशन, ओके, एडिशन ऑफ पॉलिनोमियल, ठीक है। थर्ड किसके लिए करेंगे फ्रेंड्स, सब्ट्रैक्शन के लिए तो हो गया, मल्टीप्लिकेशन के लिए करेंगे, सब्ट्रैक्शन के लिए करेंगे। सो क्रिएशन, एडिशन और सब्ट्रैक्शन, सो प्रिंट एफ, थर्ड हम करेंगे सब्ट्रैक्शन के लिए, एडिशन और क्रिएशन हम कर चुके हैं, ठीक है। सो थर्ड फॉर सब्ट्रैक्शन ऑफ पॉलिनोमियल, ओके। और हमारी जो लास्ट जो पॉइंट है वो है किसका, हम क्या करेंगे, मल्टीप्लीकेशन करेंगे पॉलिनोमियल का, ठीक है। स्लैश एन, चॉइस नंबर 4, मल्टीप्लीकेशन ऑफ पॉलिनोमियल, मल्टीप्लीकेशन ऑफ पॉलिनोमियल, ठीक है। और लास्ट में अगर यूजर को प्रोग्राम क्विट करना हो, ठीक है, तो उसके लिए भी हम यहाँ पे ऑप्शन दे देते हैं फ्रेंड्स, लेट से चॉइस नंबर 5 और एग्जिट या क्विट, ठीक है, एक ही बात है, ओके। अब हम यूजर से क्या पूछेंगे, चॉइस पूछेंगे, नाउ एंटर योर चॉइस, ठीक है। यूजर अपनी चॉइस देगा कि उसको क्या करना है, ठीक है। सो स्लैश इन, एंटर योर चॉइस, एंटर द चॉइस, ठीक है। चॉइस को हम फ्रेंड्स इनपुट में ले लेते हैं, ठीक है। सो परसेंटेज डी एम परसेंट, चॉइस वेरिएबल क्या लिया है हमने, चॉइस लिया है, उसको हम इनपुट में ले लेंगे यूजिंग स्कैनर फंक्शन, ठीक है, इनपुट में ले चुके हैं फ्रेंड्स, ओके। नाउ अब हम क्या स्टार्ट करेंगे, स्विच केस, ठीक है।
स्विच केस में जो हमने यूजर से चॉइस लिया वो हम क्या करवा देंगे, पास करवा देंगे। ठीक है, तो ये हमने जो चॉइस है वो पास करवा दी और ये स्विच केस का स्कोप भी प्रोवाइड करवा दिया। ठीक है, यहाँ हम पूरा स्विच केस से रिलेटेड प्रोग्राम करेंगे। ठीक है, सो सबसे पहले है केस वन। केस वन किसके लिए था फ्रेंड्स? केस वन था कि अगर यूजर को पॉलिनोमियल क्रिएट करना है तो कैसे करेंगे। ठीक है, तो उसके लिए फ्रेंड्स जैसा कि मैंने आपको बताया कि पहले तो हम क्या करेंगे, जो भी रीड फंक्शन मैंने यहाँ पे ऊपर डिक्लेयर किया है, ओके, ये जो रीड फंक्शन है डिक्लेयर किया है, इसमें क्या कराएंगे हम दोनों मैट्रिक्स को रीड करवाएंगे। ठीक है, सो केस वन इज बेसिकली फॉर रीडिंग द मैट्रिक्स, क्रिएशन ऑफ द मैट्रिक्स। ठीक है, सो रीड फंक्शन में मैं दोनों जो मैट्रिक्स है वो मैं पास करवा दूंगा, P1, P2। ठीक है, ये हमने फंक्शन का कॉल कर लिया है और अब हम करेंगे इसको ब्रेक लगा देंगे। ठीक है, तो केस वन पूरा हो गया, इसी तरह से मैं दूंगा केस टू। ठीक है, केस टू है किसके लिए? एडिशन ऑफ पॉलिनोमियल के लिए। सो एडिशन के लिए जैसा कि हमने कहा कि एड फंक्शन को हम कॉल करेंगे और एड फंक्शन में टोटल कितने नंबर ऑफ आर्ग्यूमेंट्स पास हो रहे हैं? 3 आर्ग्यूमेंट पास हो रहे हैं। ठीक है, तो हम भी यहाँ से क्या करेंगे फ्रेंड्स, 3 आर्ग्यूमेंट पास करवाएंगे एड फंक्शन में। ठीक है, सो एड 3 आर्ग्यूमेंट, और जो 3 आर्ग्यूमेंट है वो कैसे हैं? तीनों ही मैट्रिक्स टाइप के हैं, तो P1, P2, P3, ये 3 आर्ग्यूमेंट हमने पास करवा दिए। ओके, चलिए, तो 3 आर्ग्यूमेंट मैट्रिक्स रीड हो गई है फ्रेंड्स। ओके, तो अब हम चाहें तो यहाँ पे मैट्रिक्स को प्रिंट भी करवा सकते हैं। ठीक है, सो प्रिंट एफ हम यहाँ दे देंगे डबल कोट्स में स्लैश एन। ठीक है, फर्स्ट पॉलिनोमियल, ठीक है, फर्स्ट पॉलिनोमियल ये प्रिंट हो जाएगा और फिर हम क्या करेंगे फ्रेंड्स, प्रिंट जो फंक्शन हमने बनाया है उसको हम कॉल करेंगे। इसकी डेफिनेशन हम फ्रेंड्स नीचे प्रोवाइड करेंगे जब वॉइड मेन खत्म हो जाएगा, उसके बाद में सारे जितने भी फंक्शन हमने डिक्लेयर किए हैं उन सब की हम क्या करवाएंगे, डेफिनेशन प्रोवाइड करवाएंगे। ठीक है, सो अब हम क्या करेंगे, जो फर्स्ट जो पॉलिनोमियल है उसको तो हमने प्रिंट करवा लिया यूजिंग प्रिंट फंक्शन, जो इसका डेफिनेशन हम जो है इस वॉइड मेन के खत्म हो जाने के बाद में देंगे। इसी तरह से हम क्या कराएंगे, जो सेकेंड जो पॉलिनोमियल है जो यूजर ने दिया है उसको भी हम क्या करवा लेंगे, प्रिंट करवाएंगे। सो कॉपी और मैं पेस्ट कर लेता हूँ यहाँ पे फ्रेंड्स। ठीक है, सो सेकेंड जो पॉलिनोमियल है स्टार्ट हो गया है हमारा और इसमें मैं क्या पास करूंगा, P2। ठीक है, P2 पास करने के बाद में हमें क्या करना है, दोनों को सम करना है। ठीक है, तो सम भी करवा देते हैं फ्रेंड्स। सम किसमें होगा, मैट्रिक्स थर्ड में। सो स्लैश एन द सम ऑफ पॉलिनोमियल, सम ऑफ पॉलिनोमियल इज दिस। ठीक है, और वो किसमें होगा, मैट्रिक्स थ्री में। ठीक है, और साथ ही साथ हम क्या दे देंगे हमारे यहाँ पे ब्रेक। तो ये हमारा केस वन जो है यहाँ पे कंप्लीट हो गया है। ठीक है, इसी तरह से हम क्या स्टार्ट करेंगे, केस टू कंप्लीट हो गया है, केस थ्री स्टार्ट करेंगे। और केस थ्री किसके लिए है फ्रेंड्स, सब्ट्रैक्शन के लिए है। तो यहाँ पे जो है एडिशन और सब्ट्रैक्शन में कोई ज्यादा डिफरेंस नहीं है, हम ऐड की जगह क्या लिख देंगे, सब लिख देंगे, जिसका डिक्लेरेशन हमने प्रोग्राम की स्टार्टिंग में कर दिया है। और उसी तरह से फ्रेंड्स फर्स्ट पॉलिनोमियल, सेकंड पॉलिनोमियल और उसके बाद में जो सब्ट्रैक्शन है वो भी हम क्या करवा देंगे, प्रिंट करवा देंगे। ठीक है, सो फ्रेंड्स यहाँ पे मैं इस पूरे स्टेटमेंट को कॉपी कर लेता हूँ, ओके, ताकि हमें थोड़ी टाइपिंग जो है वो कम करनी पड़ेगी। सो कॉपी और पेस्ट कर लिया। अब हम केस थ्री बेसिकली किसके रिलेटेड है, सब्ट्रैक्शन के रिलेटेड है, तो हम लिख देंगे यहाँ पे सब। और सब फंक्शन में वही हम 3 आर्ग्यूमेंट पास करवाएंगे और तीनों आर्ग्यूमेंट कैसे हैं, मैट्रिक्स टाइप के हैं। सो फर्स्ट पॉलिनोमियल, ठीक है, उसको हमने प्रिंट करवा दिया प्रिंट फंक्शन से रिलेटेड। सेकेंड है पॉलिनोमियल, उसको भी हमने प्रिंट करवा दिया। और अब हम क्या लिखेंगे, सब्ट्रैक्शन ऑफ पॉलिनोमियल। सब्ट्रैक्शन ऑफ पॉलिनोमियल और पॉलिनोमियल 3 जो है यहाँ प्रिंट हो गया है और ब्रेक भी हो गया है। ठीक है, केस जो 4 है फ्रेंड्स, केस 4 वो किसके लिए है, मल्टीप्लीकेशन ऑफ पॉलिनोमियल के लिए है। तो मल्टीप्लीकेशन में भी हमने जो है ऊपर फंक्शन जो है डिक्लेयर कर रखा है और वहाँ पे भी काम क्या है, हमें सेम ही करना है, कोई अलग कुछ करना नहीं है।
ठीक है, तो यहाँ पर हम क्या दे देंगे फ्रेंड्स, जो हमने कॉपी किया है फंक्शन उसको पेस्ट कर लेंगे। और हमने फंक्शन का डिक्लेरेशन किया है किस नाम से, मल्टीप्लाई नाम से, MULTIPLY मल्टीप्लाई नाम से किया है, और उसके अंदर हमने भी 3 आर्गुमेंट पास करवाए हैं। सो केस 4 में इस एड को हम चेंज कर देंगे किससे, मल्टीप्लाई से, ये मल्टीप्लाई नाम से हमने चेंज कर दिया है। 3 आर्गुमेंट हमने पास करा है एरे से रिलेटेड, पॉलिनोमियल 1 2, और उसके बाद में अब जो ये केस 4 जो एग्जीक्यूट हो रहा है वो किसके लिए हो रहा है, मल्टीप्लीकेशन के लिए। सो हम यहाँ मैसेज दे देंगे मल्टीप्लीकेशन ऑफ पॉलिनोमियल, मल्टीप्लीकेशन ऑफ पॉलिनोमियल, ठीक है, ओके। चलिए तो यहाँ हमारा जो है केस 4 जो है कंप्लीट हो गया है, ठीक है, और उसके बाद में ये जो है स्विच केस भी यहाँ पे क्या हो चुका है, कंप्लीट हो चुका है। और अगर आप चाहें तो यहाँ पर केस 5 के लिए एग्जिट के लिए करें, नहीं तो आप सीधा वाइल में भी कंडीशन यहाँ पे अप्लाई कर सकते हैं, ठीक है। बेसिकली माय ऑप्शन जो है या चॉइस जो है, चॉइस इज नॉट इक्वल टू 5, ये हमने वाइल में कंडीशन लगा दी, और ये लूप चलता रहेगा जब तक कि सही कंडीशन होगी, नहीं तो क्या होगा, जैसे ही हम चॉइस 5 प्रेस करेंगे तो ये लूप से बाहर आ जाएगा। और लूप से बाहर आने के बाद में क्या दे दिया हमने, यहाँ पे लूप से आप बाहर दे सकते हैं, इनको गेट सीएस भी दे सकते हैं, कोई प्रॉब्लम नहीं है। तो यहाँ हमारा ये मेन का स्कोप भी क्या हो चुका है, कंप्लीट हो चुका है, ठीक है। चलिए तो मेन यहाँ पे जो है वो कंप्लीट हो गया है फ्रेंड्स, इसमें कोई प्रॉब्लम नहीं है। अब हम क्या करेंगे फ्रेंड्स, जो हमने फंक्शन का डिक्लेरेशन किया है तो बारी बारी से सारे फंक्शन की क्या करेंगे, डेफिनेशन प्रोवाइड कराएंगे, ठीक है। तो सबसे पहले मैं प्रोवाइड कराता हूँ फ्रेंड्स जो रीड जो फंक्शन है, या मैं कह देता हूँ सबसे पहले मैं इनिट फंक्शन जो है, इनिट फंक्शन बेसिकली क्या करेगा, सारी जो जितने भी जो मैट्रिक्स है उनको इनिशियलाइजेशन का काम करेगा। सो इनिट फंक्शन भी हम प्रोवाइड करा देते हैं, या हम पहले रीड का भी कर सकते हैं। सो सबसे पहले आप देखिए रीड का, सो वॉइड रीड, रिटर्न टाइप इसका कुछ नहीं है। और रीड फंक्शन में जैसा कि मैंने आपको ऊपर बताया कि यहाँ पे दो जो है मैट्रिक्स पास हो रही है, दो आर्गुमेंट पास हो रहे हैं, तो डेफिनेशन में भी हम क्या करेंगे, दो आर्गुमेंट ही पास करवाएंगे। सो इंटीजर P1, ये दो मैट्रिक्स आ चुकी है हमारे पास में, दो मैट्रिक्स जो हमने यूजर से पास करवाई थी, ये दोनों मैट्रिक्स P1 और P2 में आ चुकी है। और इसी तरह से ये प्रोग्राम का हमने स्कोप दे दिया किसके लिए, रीड फंक्शन के लिए। सो वॉइड रीड P1 और P2 दोनों मैट्रिक्स हमने जो है कॉलिंग फंक्शन से जो पास की थी वो हमने किस में ले ली है, P1 और P2 में, ठीक है। तो फ्रेंड्स हमें यहाँ पर क्या करना है, मैट्रिक्स को रीड करना है, ठीक है। ऑब्वियस सी बात है, मैट्रिक्स को रीड करने के लिए हमें फॉर लूप की तो रिक्वायरमेंट पड़ेगी ही पड़ेगी, बट हम यहाँ पे पहले कुछ वेरिएबल्स भी ले लेते हैं फ्रेंड्स। वेरिएबल का इनिशियलाइजेशन करना, डिक्लेरेशन करना बहुत जरूरी है, कुछ मैं वेरिएबल्स ले रहा हूँ लाइक एन और आई। और हमें ऑब्वियसली बात है कि पॉलिनोमियल का एडिशन करना है, तो हमें पावर और कॉफिशियंट की रिक्वायरमेंट होगी। तो यहाँ पे मैं वेरिएबल ले लेता हूँ, लेट्स से power 1 एंड कॉफिशियंट जिसको मैं नाम दे देता हूँ COEFF, कॉफिशियंट COEFF नाम दे देता हूँ और 1 नाम देता हूँ, क्योंकि हमें दो पॉलिनोमियल का एडिशन सबट्रैक्शन करना है। तो फर्स्ट जो पॉलिनोमियल होगा उसके लिए power 1, कॉफिशियंट 1, और जो सेकंड जो पॉलिनोमियल होगा उसके लिए power 2, कोफिशियंट 2, ठीक है। और ये हमने दीजिए सेमी कॉलन। अब सबसे पहले हमें काम क्या करना है फ्रेंड्स, कि जो पॉलिनोमियल हमारे पास में आए हैं, जो मैट्रिक्स आई है हमारे पास में P1 और P2, उसको हमें इनिशियलाइज करना है। सो इनिट फंक्शन को कॉल करेंगे हम यहाँ से INIT, और उसमें क्या पास करवा देंगे, हमारी पहली मैट्रिक्स, ठीक है, ये हो गया। देन ऑब्वियस सी बात है, इनिशियलाइजेशन के बाद में हमें क्या करना पड़ेगा कि आपको टोटल कितने पॉलिनोमियल जो है वो इंसर्ट करवाना है। सो हम यहाँ पे दे देते हैं printf डबल कोट्स में /n, एंटर द नंबर ऑफ टर्म्स, एंटर द नंबर ऑफ टर्म्स, ठीक है। ये तीन जो टर्म्स हैं वो हमने क्या करवा ली, 3 या 4 जितने भी यूजर देना चाहे वो करवा सकता है फ्रेंड्स, इसमें कोई डाउट नहीं है, यूजर जितने भी देना चाहे वो करवा सकता है, ओके। टर्म्स बेसिकली यहाँ पे क्या हो गई फ्रेंड्स, लेट से अगर मैं आपको ऊपर एग्जांपल दूँ, तो ये आपकी फर्स्ट टर्म है लाइक फर्स्ट कोफिशियंट एंड पावर,
ये आपकी सेकेंड टर्म है, सेकेंड कोफिशियंट एंड पावर, तो ये थर्ड टर्म है सेकेंड थर्ड कोफिशियंट एंड पावर। तो इस पर्टिकुलर पॉलीनोमियल में आपके पास में कितनी टर्म हो गई, थ्री टर्म हो गई। तो अकॉर्डिंग टू द यूजर, यूजर दो डालना चाहे, तीन डालना चाहे, चार टर्म डालना चाहे, उतनी टर्म डाल सकता है। तो हमने यहाँ पे एक यूजर के लिए मैसेज छोड़ दिया कि आप कितनी टर्म्स डालना चाहेंगे। सो एंटर द नंबर ऑफ टर्म्स और उसको हम क्या ले लेते हैं फ्रेंड्स, स्कैनएफ करवा लेते हैं। सो scanf परसेंटेज डी कॉमा एम परसेंट एन, ठीक है। अब हमें रिक्वायरमेंट पड़ेगी एक फॉर लूप की, क्योंकि जितनी यूजर टर्म्स देगा उसके अकॉर्डिंग क्या आना चाहिए, इनपुट आना चाहिए। सो आई इज इक्वल टू जीरो कॉमा आई लेस देन एन, और उसके बाद में हम करेंगे आई प्लस प्लस, ठीक है। सो ये हमारा क्या हो गया, फॉर लूप का स्कोप हो गया है, ठीक है। सो सबसे पहले यहाँ पे हम देंगे फ्रेंड्स प्रिंट एफ में यूजर के लिए एक मैसेज देंगे लाइक स्लैश एन, ठीक है। सो एंटर द टर्म, अब हमें क्या करना है, टर्म को एंटर करना है कि आप कौन सी टर्म जो है एंटर कर रहे हो, एंटर द टर्म। और जो फर्स्ट जो आर्गुमेंट हम ले रहे हैं फ्रेंड्स, यहाँ पर एक मैसेज डाल देते हैं यूजर के लिए, आप जो फर्स्ट जो आर्गुमेंट डालेंगे वो होगी पावर, और सेकेंड आर्गुमेंट जो डालेंगे वो होगा उसका कोफिशियंट, सी ओ ई एफ एफ, कोफिशियंट डालेंगे, ठीक है। ये हमने यूजर के लिए दे दिया है, ओके। सो एक मैसेज भी हमने दे दिया है। अब हम क्या करेंगे फ्रेंड्स, स्कैनएफ कराएंगे, ठीक है। सो स्कैनएफ करवा लेते हैं पावर और कोफिशियंट दोनों को, परसेंटेज डी ओके, और एम्परसेंट पावर वन कॉमा एम्परसेंट कोफिशियंट वन, फर्स्ट पावर और फर्स्ट कोफिशियंट को हमने क्या कर लिया, इनपुट में ले लिया है, ठीक है। और ये जो पावर और कोफिशियंट है फ्रेंड्स, ठीक है, ये हमें फर्स्ट मैट्रिक्स में क्या करना है, सेट करना है, ठीक है। तो बेसिकली इसका फंडा क्या है फ्रेंड्स, के जो कोफिशियंट होगा वो पर्टिकुलर एरे की इंडेक्स पे सेट होगा। मैंने लाइन में दोबारा से बोल देता हूँ फ्रेंड्स, के जो अगर आपको पॉलीनोमियल को एरे से स्टोर करना है फ्रेंड्स, तो आप क्या करेंगे, कंसेप्ट क्या है कि आप जो पर्टिकुलर कोफिशियंट है उसको एरे की जो इंडेक्स है उस पर आप सेव करेंगे, क्योंकि एरे का इंडेक्स यहाँ पे क्या डिनोट करेगा, उसकी पावर। एरे की जो इंडेक्स है 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 अप टू द एन नंबर, जो इंडेक्सिंग है वो पावर को डिनोट करेगा, और जो कोफिशियंट है वो नंबर है जो आपने यूजर से लिया है, ठीक है। सो यहाँ पर मैं क्या करता हूँ, एक जो मेरा फंक्शन बनाया है मैंने, सॉरी एरे मैंने बनाया है, उसके उसके पावर पे, मतलब यहाँ ये डिनोट करेगा उसकी इंडेक्स। तो हमने यहाँ पे इंडेक्स पे क्या डाला, पावर। तो यहाँ पे पावर जो है वो इंडेक्स को रिप्रेजेंट कर रहा है, तो उस पर्टिकुलर इंडेक्स पे हमें क्या सेव करना है, वो कोफिशियंट। तो ये हमने सेव कर दिया है पावर वन कोफिशियंट वन, ठीक है। तो यहाँ पे जो है हमारा फर्स्ट जो टर्म है वो इनपुट में आ जाती है, ठीक है। और यही काम फ्रेंड्स हमें किसके लिए करना है, जो सेकंड जो टर्म है, सेकंड जो पॉलीनोमियल है उसके लिए करना है, क्योंकि ऑब्वियसली बात है कि एक पॉलीनोमियल तो इनपुट में आ गया है, अब हमें क्या करना है, सेकंड पॉलीनोमियल इनपुट में करना है। सो फ्रेंड्स यहाँ पर हम देखेंगे, इसको हम कॉपी कर लेते हैं फ्रेंड्स, क्योंकि ये स्टेटमेंट काफ़ी सिमिलर है, ठीक है। सो एडिट में गए, कॉपी गए, और यहाँ पे हमने क्या कर लिया, उसको पेस्ट कर लिया है, ठीक है। अगेन इनिट फंक्शन को कॉल करेंगे, उसमें पास करेंगे पावर टू, सो एंटर द नंबर ऑफ टर्म्स, ठीक है। और अगेन हमने उसको क्या कर लिया, उसको इनपुट कर लिया है। फॉर लूप हमने चलाया है आई इज इक्वल टू जीरो से एन तक, और हमेशा उसमें इंक्रीमेंट करना है। नाउ एंटर द टर्म, फर्स्ट इज कोफिशियंट, फर्स्ट इज पावर, देन कोफिशियंट, देन स्कैनएफ, दोनों को हमने इनपुट करा लिया, किसको, अब हम पावर वन और पावर टू को इनपुट में कराएंगे। सो पावर वन और इनपुट को करा चुके हैं, अब हम पावर और कोफिशियंट टू को इनपुट में लेंगे। और ये जो पावर और कोफिशियंट है ये हम किसमें पास कराएंगे, सेकंड जो हमारा एरे है उसके अंदर हम ये क्या कराएंगे, स्टोर करवाएंगे। सो पावर टू एंड कोफिशियंट टू, ये हमने फ्रेंड्स इनपुट में ले लिया। इसी के साथ ही हमारा क्या होता है, फॉर लूप का जो स्कोप जो है
वो यहाँ पे खत्म होता है। ठीक है, तो ये फॉर लूप का स्कोप खत्म हो गया। देन ये रीड फंक्शन का भी खत्म हो गया है। ठीक है, ओके। सो फ्रेंड्स, एक बार हम जो है काउंट कर लेते हैं कि हमने कितने स्कोप दिए हैं। मेन का स्कोप स्टार्ट हो गया, देन डू वाइल का, देन स्विच केस का। ठीक है, देन स्विच केस यहाँ पर क्या होता है, कंप्लीट होता है। देन वाइल जो है वो कंप्लीट होता है और मेन कंप्लीट होता है। उसके बाद में रीड फंक्शन में हमने जो है एक स्कोप जो है फर्स्ट फॉर लूप का है और दूसरे स्कोप सेकंड फॉर लूप का, उसके बाद में रीड फंक्शन कंप्लीट होगा। ओके, तो हमारा पैरेंथेसिस बिल्कुल सही चल रहा है फ्रेंड्स। ओके, तो रीड फंक्शन हमने, इसके थ्रू हमने क्या कर लिया, मैट्रिक्स को जो है वो रीड कर लिया है। ठीक है, और अब हम क्या करेंगे फ्रेंड्स, जैसा कि मैंने आपको कहा कि इनिट फंक्शन जो है वो क्या करेगा, मैट्रिक्स को इनिशियलाइज करने का काम करेगा। तो हम यहाँ पे इनिट फंक्शन को जो है इनिशियलाइज कर लेते हैं, इनिट int। सो p ऑफ मै, इसमें भी हमने क्या पास करवाई है, एक मैट्रिक्स पास करवाई है। सो फ्रेंड्स, यहाँ इसको हम इनिशियलाइज कर लेंगे, इंटीजर i एक वेरिएबल मैंने ले लिया है। सो फॉर i इज इक्वल टू 0, i लेस देन, हमें चलना कब तक है, जब तक कि मैक्स की वैल्यू नहीं आ जाती है, क्योंकि मैक्सिमम साइज उतनी है। सारे जितने भी एलिमेंट्स हैं मैट्रिक्स के, उन सबको हम इनिशियलाइज कर देंगे विद द हेल्प ऑफ 0। सो p ऑफ i इज 0। ठीक है, ये हमने इनिशियलाइज कर दिया और ये इनिट का जो है स्कोप क्या हो चुका है, कंप्लीट हो चुका है। तो फ्रेंड्स, हमने यहाँ पे जो रीड जो फंक्शन है और init फंक्शन है, इनिट फंक्शन है, उसके रिगार्डिंग उसकी डेफिनेशन हमने क्या कर दी है, प्रोवाइड करवा दी है। ठीक है, अब हम क्या करते हैं फ्रेंड्स कि जो एडिशन, सब्ट्रैक्शन, मल्टीप्लीकेशन, ये तीनों जो कोड है, इसके लिए भी हम क्या करते हैं, इसकी भी डेफिनेशन प्रोवाइड करवा लेते हैं। ठीक है, सो फ्रेंड्स, मैं स्टार्ट करता हूँ सबसे पहले एडिशन के लिए। ठीक है, सो वॉइड एडिशन। ठीक है, और एडिशन में जैसे कि हमने कहा कि तीन आर्गुमेंट पास हो रहे हैं, सो इंटीजर p1, इंटीजर p2। ठीक है, और इंटीजर p3। ठीक है, ये तीन आर्गुमेंट जो है पास हो रहे हैं, p1, p2 और p3। तीनों ही क्या है फ्रेंड्स, एरे हैं। ठीक है, जो हमने कॉलिंग से पास करवाए हैं। ठीक है, तो आइए इसकी हम भी डेफिनेशन प्रोवाइड करवा लेते हैं फ्रेंड्स। सबसे पहले तो एक मैं वेरिएबल ले लेता हूँ, इंटीजर आई की रिक्वायरमेंट पड़ेगी हमें लूप के लिए, बिकॉज लूप हमें यहाँ पे रन करना पड़ेगा। सो फॉर आई इज इक्वल टू 0, आई लेस देन, जो भी हमारा मैक्स वेरिएबल है, हमें तब तक चलना है जितनी भी एरे की जो साइज है। और फिर क्या करना है, p3 जो हमारी जो थर्ड जो मैट्रिक्स है p of 3। ठीक है, उसमें क्या करना है, p1। ठीक है, और प्लस p of 2 को ऐड कर देना है। सिंपल सा मैट्रिक्स का जो कंसेप्ट है वो यहाँ पे हमें लगाना है फ्रेंड्स। ठीक है, सो ये क्या किया फ्रेंड्स हमने, कि एडिशन फंक्शन के लिए डेफिनेशन प्रोवाइड कर दी है कि void add, ठीक है, एडिशन में एक वेरिएबल लिया और दोनों मैट्रिक्स जो p1 और p2 है उसका सम किस में इनिशियलाइज कर दिया हमने, थर्ड जो मैट्रिक्स है उसमें इनिशियलाइज कर दिया। ठीक है, तो एक ब्रेसेस यहाँ पर एक्स्ट्रा, इसको हम रिमूव कर देंगे, तो एडिशन के लिए भी ये जो है डेफिनेशन कंप्लीट हो चुकी है फ्रेंड्स। इसी तरह से हम क्या करेंगे, सब्ट्रैक्शन के लिए भी करेंगे। तो फ्रेंड्स, सब्ट्रैक्शन के लिए हम क्या करेंगे, जैसा कि हमने एडिशन के लिए, ठीक है, एडिशन के लिए तीनों जो मैट्रिक्स पास की और दोनों मैट्रिक्स का एडिशन करके हमने थर्ड मैट्रिक्स में स्टोर किया, वैसे ही हम जो है सब्ट्रैक्शन के लिए भी करेंगे। सब्ट्रैक्शन के लिए मैं यहाँ पे इस कोड को कॉपी कर लेता हूँ और यहाँ लाके मैं क्या कर देता हूँ, उसको पेस्ट कर देता हूँ। ठीक है, तो ये किसके लिए हो जाएगा, सब्ट्रैक्शन के लिए। सब्ट्रैक्शन के लिए हमने नाम दिया है सब। ठीक है, मैट्रिक जो फंक्शन है उसका नाम दिया है सब, और सेम फंक्शन है यहाँ पे, कोई इसमें ज़्यादा चेंजेस नहीं है फ्रेंड्स। सो आई
जीरो से लगा के हमें मैक्स तक चलना है, और पी ऑफ थ्री इज इक्वल टू पी ऑफ आई, ठीक है। और हमें यहाँ पे क्या करना है, प्लस की जगह सिंपल और माइनस लिखना है, और इसके अलावा हमें कुछ भी नहीं करना है, ठीक है। और इसी तरह से हम क्या करेंगे फ्रेंड्स, मल्टीप्लीकेशन के लिए भी लिखेंगे। तो मल्टीप्लीकेशन के लिए थोड़ा सा फ्रेंड्स यहाँ पे चेंज आएगा, ओके। मैं कुछ स्टेटमेंट यहाँ पे कॉपी कर लेता हूँ पहले, तो ताकि हमें थोड़ा सा इजी हो जाएगा टाइपिंग के लिए। यहाँ पे हमने मल्टीप्लाई जो फंक्शन बनाया है उसकी डेफिनेशन हम लिखने जा रहे हैं। मल्टीप्लाई मैंने नाम दिया था फंक्शन को डिक्लेरेशन के लिए, और मल्टीप्लाई फंक्शन में कॉलिंग के थ्रू हमने तीन आर्गुमेंट पास करवाए थे, तीनों ही मैट्रिक्स टाइप के थे, P1, P2, P3। और यहाँ हमें बेसिकली फ्रेंड्स दो वेरिएबल की ज़रूरत पड़ेगी, क्योंकि मैट्रिक्स का मल्टीप्लीकेशन कर रहे हैं तो दो वेरिएबल्स की रिक्वायरमेंट तो होगी होगी हमें। I इज इक्वल टू जीरो, ठीक है। फर्स्ट जो फॉर लूप है बिल्कुल ऐसे ही चलेगा, लेस देन मैक्स और आई प्लस प्लस। इसी तरह से मैं सेकेंड फॉर लूप भी रन करता हूँ, फॉर जे इज इक्वल टू जीरो सेमी कॉलन जे लेस देन मैक्स और जे प्लस प्लस, ठीक है। सो पी ऑफ आई प्लस जे, दोनों जो कंसेप्ट है आई प्लस जे, ठीक है, क्योंकि हम जो फ्रेंड्स यहाँ पे सिंपल मैट्रिक्स का मल्टीप्लीकेशन नहीं कर रहे हैं, हम यहाँ पे पॉलिनोमियल का एडिशन मल्टीप्लीकेशन कर रहे हैं। सो पी थ्री ऑफ आई कॉमा जे, ठीक है, अगेन हम यहाँ लिखेंगे पी थ्री ऑफ आई प्लस जे, ठीक है, प्लस पी वन ऑफ आई एस्ट्रिक, ठीक है, एस्ट्रिक लगाएंगे ऑफ पी टू ऑफ जे, ठीक है। आई और जे को क्या करना है, मल्टीप्लाई करना है। सो फ्रेंड्स आप ये ध्यान रखिएगा, हम यहाँ पे जो है पॉलिनोमियल का क्या कर रहे हैं, मल्टीप्लीकेशन कर रहे हैं। सो नॉर्मल मैट्रिक्स मल्टीप्लीकेशन नहीं कर रहे हैं, अगर हम नॉर्मल मैट्रिक्स मल्टीप्लीकेशन भी करते तो यहाँ पे जो है कंसेप्ट कुछ इसी तरह से होता, ज़्यादा इसमें डिफरेंसेस नहीं है। पी ऑफ आई जे आई के और के जे सेम वही पॉइंट है, जो ज़्यादा पॉइंट नहीं है। पहले हमें जो है एडिशन के साथ में यहाँ पे मल्टीप्लीकेशन भी करना पड़ेगा। सो पी ऑफ आई प्लस जे इज इक्वल टू पी ऑफ आई प्लस जे प्लस पी वन ऑफ आई इंटू पी ऑफ टू ऑफ जे। तो ये हमारा जो है मल्टीप्लीकेशन भी यहाँ पे कंप्लीट हो गया है। तो मल्टीप्लीकाई के लिए हमने दे दिया, सब्ट्रैक्शन के लिए हमने डेफिनेशन दे दी, एडिशन के लिए दे दी, इनिट के लिए दे दी, और रीड फंक्शन के लिए भी हमने दे दिया। एक जो है और यहाँ पे हमने प्रिंट फंक्शन के लिए कोई काम नहीं किया है। सो मैट्रिक्स को हमें प्रिंट भी करवाना है, ठीक है। तो यहाँ पर हम प्रिंट फंक्शन के लिए भी जो है डेफिनेशन प्रोवाइड करवा देते हैं। वॉइड प्रिंट फंक्शन का नाम मैंने प्रिंट ही दिया है, और उसमें हमने यहाँ पे कितने आर्गुमेंट पास करवाए हैं फ्रेंड्स, वो एक बार हम चेक कर लेते हैं। आर्गुमेंट प्रिंट फंक्शन के लिए हमने पास करवाया है कितना, एक ही मैट्रिक्स पास करवाई है, ओके। सो कोई प्रॉब्लम नहीं है, यहाँ पे एक मैट्रिक्स हम जो है इनपुट में ले लेते हैं जो हमने कॉलिंग से भी पास करवाई है। सो ये रहा आपका स्कोप किसके लिए, प्रिंट फंक्शन के लिए, ठीक है। सो इंटीजर एक यहाँ वेरिएबल ले लेते हैं आई। फॉर लूप की हमें ऑब्वियसली बात है रिक्वायरमेंट पड़ेगी ही पड़ेगी। सो आई इज इक्वल टू जीरो कॉमा आई लेस देन मैक्स, ठीक है, देन अगेन आई प्लस प्लस, ठीक है। चलिए सो कंडीशन लगाएंगे इफ, ठीक है, जहां जहां जीरो है उसको तो हमें प्रिंट नहीं करना है मैट्रिक्स में, ठीक है, ये तो हमें पता है फ्रेंड्स, क्योंकि ये 1D एरे है। जहां जहां बेसिक वैलिड एंट्रीज है उनमें हमें सिर्फ उसी को ही प्रिंट करना है। सो हम यह कंडीशन लगाएंगे कि पी ऑफ आई नॉट इक्वल टू जीरो, ठीक है, जीरो नहीं होना चाहिए, तो बस जीरो नहीं है तो उसको आप प्रिंट करवा लीजिए। तो जो बेसिकली देखिए फ्रेंड्स यहाँ पे लिखने का तरीका क्या होगा, फर्स्ट परसेंटेज डी, ठीक है, देन जो भी है एक्स की पावर, तो हम यहाँ बेसिकली पावर के लिए यूज करेंगे ये साइन, फिर है परसेंटेज डी, ठीक है, फर्स्ट परसेंटेज डी कोफिशियंट, सेकंड परसेंटेज डी क्या होगी, उसकी पावर होगी, ठीक है। तो कोफिशियंट और देन पावर, तो
यहाँ पे आप चाहें तो थोड़ा सा स्पेस भी प्रोवाइड करवा सकते हैं, ठीक है। और पहला जो परसेंटेज डी है वो रिप्लेस होगा पी ऑफ आई से, उसकी पर्टिकुलर एलिमेंट से, ठीक है। और जैसा कि मैंने आपको बताया कि जो एक पावर है, एक्सपोनेंट है, वो क्या है, उसकी इंडेक्सिंग है फ्रेंड्स। क्या है इंडेक्सिंग से, हम उसकी एरे की जो इंडेक्सिंग है उसके एक्सपोनेंट से उसको रिप्रेजेंट कर रहे हैं, और जो नंबर है कोफिशियंट है उसके पर्टिकुलर एलिमेंट से रिप्रेजेंट कर रहे हैं। सो पी ऑफ आई आई, तो ये भी हमारा क्या हो चुका है फ्रेंड्स, स्कोप यहाँ पे कंप्लीट हो गया है प्रिंट फंक्शन के लिए, ठीक है। तो आप चाहे तो यहाँ पे कुछ और स्पेस भी दे सकते हैं लाइक दिस, ठीक है, या इसको कंबाइन भी करें तो भी कोई दिक्कत वाली बात नहीं है, ठीक है। सो परसेंटेज डी और एक्स की पावर परसेंटेज डी कुछ इस फॉर्मेट में ये प्रिंट होगा। तो फ्रेंड्स जो भी पांचों छह फंक्शन थे, ऐड सब्ट्रैक्ट मल्टीप्लाई प्रिंट रीड, ठीक है, इन सब के लिए, इनिट फंक्शन के लिए हमने डेफिनेशन भी प्रोवाइड करवा ली है, और ये हमारा प्रोग्राम भी ऑलमोस्ट क्या हो चुका है, कंप्लीट हो चुका है, ठीक है। तो सबसे पहले तो हम प्रोग्राम को जो लास्ट जो हमने किया है उसको सेव कर देंगे और चेक करेंगे, कंपाइलेशन चेक करेंगे। तो यहाँ पे एक सिंबल जो है अनडिफाइंड बता रहा है, इसको हम डिफाइंड कर लेते हैं इनिट फंक्शन के लिए, ओके। सो चेक करेंगे क्या कोई एरर वार्निंग तो नहीं है। सो फ्रेंड्स यहाँ पे कोई भी एरर और वार्निंग्स नहीं है। सो हमारा प्रोग्राम यहाँ पे क्या हो चुका है, सक्सेसफुली कंपाइल हो चुका है। अब मैं प्रोग्राम को करूँगा एग्जीक्यूट Ctrl F9 से, ठीक है। सो फ्रेंड्स सबसे पहले हमें क्या करना है, अकॉर्डिंग टू द चॉइस सबसे पहले हमें जो है पॉलिनोमियल को क्रिएट करना है। तो मैं देता हूँ यहाँ पे चॉइस 1, नंबर ऑफ टर्म्स पहले पॉलिनोमियल के लिए देता हूँ मैं, नंबर ऑफ टर्म्स 2 है, और सबसे पहले क्या देनी है, पावर और कोफिशियंट, ठीक है। सो फ्रेंड्स यहाँ पे फर्स्ट जो टर्म है वो क्या है, पावर, और सेकेंड टर्म क्या है, कोफिशियंट। तो मैं देता हूँ लेट से यहाँ पे 2, 3, और सेकेंड में देता हूँ मान लीजिए 3, 4। अब ये हमें देना है सेकंड पॉलिनोमियल के लिए, ठीक है, सेकंड पॉलिनोमियल के लिए हमें देना है, ओके। सो यहाँ भी मैं देता हूँ टर्म्स 2 है, और पहले हमें देनी है पावर, उसके बाद में देनी है हमें कोफिशियंट। सो 2 और मैं दे देता हूँ यहाँ पे 3, और 3 और 3 दे देता हूँ, ठीक है। अब लेट से हमें क्या करना है कि जो हमने इनपुट दिया है, पॉलिनोमियल दिया है, उसका हमें क्या करना है, एडिशन करना है। सो एडिशन के लिए चॉइस मैं प्रेस करूंगा 2। सो देखिए फर्स्ट जो पॉलिनोमियल था क्या था, 3 की पावर 2, और सेकंड पॉलिनोमियल क्या था, 4 की पावर 3। सेकंड जो पॉलिनोमियल है उसकी पावर है 3 पावर 2 और 3 की पावर 3। तो फ्रेंड्स देखिए कि जिनकी पावर सेम है उनका एडिशन हो गया है कितना, 3 और 3 6, सो 6 की पावर 2, और जो पावर 3 थे 4 और 3 की पावर 3 है, तो उसका 4 और 3 कितना हो गया, 7, तो 7 की पावर 3, ठीक है। तो सम ऑफ पॉलिनोमियल में क्या है आंसर हमारा, 6 की पावर 2 और 7 की पावर 3, ठीक है। सो यहाँ हम क्या करेंगे, कुछ स्पेस प्रोवाइड करा देंगे तो हमारा जो आंसर है वो हमें और यहाँ पे क्या होगा, एकदम सही नज़र आएगा, ठीक है। सो सम ऑफ पॉलिनोमियल या जो हमने सम में जो कोड दिया है वहाँ हम क्या करवा देंगे, स्पेस आप प्रोवाइड करवा सकते हैं, ठीक है। चॉइस में देंगे फ्रेंड्स यहाँ पे सम ऑफ पॉलिनोमियल ये यहाँ पे। सो अब हमारा रिजल्ट क्या होगा, एकदम परफेक्ट से हमको नजर आएगा, थोड़ा सा स्पेस भी आ जाएगा, तो रिजल्ट बिल्कुल एकदम हमें सही यहाँ पे शो होगा, ठीक है। सो प्रोग्राम को सेव करता हूँ और मैं वापस यहाँ पे रन करता हूँ। सबसे पहले तो ऑब्वियस ही बात है हमें पॉलिनोमियल को क्या करना पड़ेगा, क्रिएट करना पड़ेगा। सो चॉइस 1 दे दी मैंने, नंबर ऑफ टर्म्स मैं देता हूँ यहाँ पे 2। सो फर्स्ट जो पॉलिनोमियल है उसके लिए मैं इनपुट दे रहा हूँ, इनपुट में फ्रेंड्स वही दे देता हूँ ताकि हमारा रिजल्ट बिल्कुल परफेक्ट आए। सो 2, 3, और उसके बाद में सेकेंड जो टर्म है वो देता हूँ 3 एंड 4। देन नंबर ऑफ टर्म्स में देता हूँ अगेन 2। फर्स्ट पॉलिनोमियल जो है हमने इनपुट दे दिया है, अब हम सेकेंड पॉलिनोमियल दे रहे हैं। सो 2, 3 एंड 3 और 3, ठीक है। नाउ अब हम एडिशन परफॉर्म करते हैं। सो फ्रेंड्स देखिए जो रिजल्ट जो है स्पेस के साथ में प्रिंट हो रहा है, 6 की पावर 2 और 7 की पावर 3, ठीक है। आप चाहें तो यहाँ पे सब्ट्रैक्शन भी परफॉर्म कर सकते हैं। सो सब्ट्रैक्शन के लिए हमें देनी पड़ेगी चॉइस 3। सो देखिए ये रहा सब्ट्रैक्शन, सेम पावर जो है वो सब्ट्रैक्ट हो जाएंगी, ठीक है। देन हमें करना पड़ेगा लास्ट मल्टीप्लिकेशन, तो ये रहा मल्टीप्लिकेशन का रिजल्ट, 1 टू द पावर 3, 9 टू द पावर 4, 21 टू द 5 एंड 12 टू द पावर 6, ठीक है।
तो फ्रेंड्स ये था पूरा प्रोग्राम जिसमें हमने परफॉर्म किया। एक पॉलीनोमियल से रिलेटेड जितने ऑपरेशंस थे, लाइक उसका एडिशन करना, सब्ट्रैक्शन करना, मल्टीप्लिकेशन करना। आई थिंक इस पूरे ट्यूटोरियल से आपको पॉलीनोमियल का जो कंसेप्ट है, एडिशन, सब्ट्रैक्शन, मल्टीप्लिकेशन, वो कंसेप्ट जो है वो क्लियर हो गया है। फिर भी अगर आपको कोई डाउट है इस पर्टिकुलर वीडियो से तो हमें कमेंट बॉक्स में लिख के ज़रूर भेजिएगा। और थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।